राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2019 के 25वें मुकाबले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस मुकाबले में हुआ ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 3 गेंदों पर 8 रनों की ज़रूरत थी। जैसे ही बेन स्टोक ने ओवर की चौथी गेंद फेंकी, ये गेंद मिचेल सेंटर की हाइट की ओर गई। एम्पायर को लगा शायद ये गेंद फुलटॉस गेंद है और एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार नहीं दिया। उधर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम्पायर के फैसले को देखकर भड़क उठे और चिल्लाते हुए मैदान के अंदर आ गए और एम्पायरों से बहस करने लगे। इस दौरान मैच कुछ देर रुका भी रहा। इसी को लेकर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर फाइन किया गया और धोनी को अपने मैच का 50% चार्ज लगा और धोनी की मैच फीस में से 50% फीस चार्ज काट लिया गया, क्योंकि धोनी ने आईपीएल का एक रूल तोड़ा और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इस गलती को मान भी लिया और अपनी मैच फीस में से 50% फाइन कटवा लिया। आपके मुताबिक क्या महेंद्र सिंह धोनी को इस तरह मैच के बीच में आकर मैच को रोकना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।